क्षमा करें। निश्चिंत हो राजन, निश्चिंत हो। तो आपका दूसरा प्रश्न क्या था? हे मुनिवर, आज दोपहर को मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में मैं एक गरीब आदमी था। गरीब होते हुए मैंने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया था। एक भिक्षुक की तरह मैं भिक्षा मांग रहा था। एक वृद्ध आदमी ने मुझे 6 दिन पुरानी रोटी का टुकड़ा दिया। जब वह आधी रोटी में खाने बैठा तो 2 बैल मेरी ओर लड़ते लड़ते बड़ी तेजी से आ रहे थे और मैं घबराया। उस घबराहट में मेरे हाथों से रोटी भी फिसल गई और वह दोनों जानवर मुझे मारने आ ही रहे थे कि मैं जाग उठा। देखा तो अपने महल के शयन कक्ष में द्वारपाल मुझे पंखा दे रहे थे, पर फिर भी मेरे शरीर से पसीना छूट रहा था, जैसे कि मैं अब भी डरा हुआ हूं। अब मेरा प्रश्न यह है कि सच क्या है? क्या मैं राजा हूं या एक भिक्षुक? यह सब क्या है? क्या यह सब राज्य है वही सत्य है, या क्या मैं एक भिक्षुक हूं वो सत्य है? हे राजन, जब आप सोच रहे थे कि कौन सी अवस्था सत्य है और कौन सी असत्य, क्या आपने ये सोचा कि आपकी स्वप्न अवस्था और आपकी जागृत अवस्था दोनों ही असत्य है? जिस तरह आपकी जो स्वप्न अवस्था थी वह आधे एक घंटे की थी, ठीक उसी तरह यह 100 साल का आयुष्य भी एक स्वप्न ही है। हे मुनिवर, मैं समझा नहीं। राजन, हर एक मनुष्य को अपने पार्थिव देह का त्याग करना पड़ेगा। इस देह को मिलने पर इस मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है और इस देह की ओर मनुष्य कितना आगे बढ़ा, उसे उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। मनुष्य देह, हमारी इस लोक की सारी क्रियाएं, यह सब असत्य है। और तो और, प्रकृति पुरुष तक का सब कुछ असत्य है। यह देह, इंद्रिय, अंतकरण, सब कुछ असत्य है। सत्य तो एक आत्मा और परमात्मा है, और यह सत्य हमें तब पता चलेगा जब हम अपने आप को देह नहीं परंतु आत्मा समझेंगे। तव चरण में शीश झुकाऊं, संत स्वरूप तव पुनित चरण में निज जीवन बिताऊं। तव चरण में शीश झुकाऊं, हो तव चरण में शीश झुकाऊं। हे महाराज, हे स्वामी, इन छोटे छोटे प्रसंगों को बताकर दिनकर अंकल और बापू ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है। सरल और सहज भाषा में बातें करके हमें बहुत प्रेरणा दी है और हमारा जीवन आध्यात्मिक बनाया है। तो आज इस अवसर पर हम सारे गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन और भी दिव्य बने, हमारी सत्संग की लगन बढ़ती रहे, प्रसंग आने पर हम भजन का सहारा लें और हम दास बनकर जिए, जिससे कि ब्रह्मरूप होकर महाराज की सेवा में अखंड रह सके। जय स्वामी नारायण।